सब्सक्राइब करें वीएलई सोसाइटी चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को सीएससी सरकारी योजना और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, सीएससी वीएलई सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे सीएससी के एक इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में, जिसमें जो है अगर वीएलई ये चीज़ नहीं करता है या इस चीज़ को ध्यान नहीं देता है तो उसे 1000 से 5000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। अगर आप सीएससी डिजिटल सेवा संचालक हैं, यानी कि हर सीएससी संचालक के लिए अनिवार्य है, तो अगर आप एक सीएससी संचालक हैं तो इस वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। और साथ ही दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ अपने जितने भी दोस्त हैं उन सभी को व्हाट्सअप मोबाइल में पहुँचा दिया, ताकि बाकी वीएलईज को भी इसके बारे में पता चल सके। और अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारा कोई भी अपडेट मिले सबसे पहले आपको। तो आइए दोस्तों बिना देर के आपको बता देता हूँ आज के इस नए अपडेट के बारे में। लेकिन दोस्तों इससे पहले एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं और आर्थिक जनगणना 2019 का काम कर रहे हैं उसके लिए टी शर्ट कैप वगैरह ऑर्डर करना चाहते हैं तो यहाँ पे vlesociety.com की वेबसाइट पर जाके ये सारी चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं। और बाकी मैं आपको बता देता हूँ आज के इस अपडेट के बारे में, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा डिजीमेल पे अपने, और डिजीमेल पे जाने के बाद जो 17 मई का आपका न्यूज़लेटर है उस पर क्लिक कर लेना है। और वहाँ पे पहला जो हाइलाइट्स वाला ऑप्शन है उसमें व्यू मोर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा जहाँ पे लिखा हुआ है वीलीज़ को 1000 से 5000 रुपये तक की पेनाल्टी लगेगी। तो किस लिए लगेगी, क्या लिखा हुआ है, पूरा मैं डिटेल में पढ़ के बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है वीएलईज़ रिक्वेस्टेड टू फाइल आईटीआर ऑन अर्जेंट बेसिस, यानी कि जो वीएलईज़ हैं सीएससी वीएलईज़ हैं उनको अपना आईटीआर जो है अर्जेंट बेसिस पे फाइल करना है। और आगे लिखा हुआ है डियर वीएलईज़, यानी कि प्रिय वीएलईज़, इट इज़ रिक्वेस्टेड फॉर ऑल टू फाइल आईटीआर ऑन अर्जेंट बेसिस, यानी कि जितने भी सीएससी वीएलई हैं सभी वीएलईज़ को ये रिक्वेस्ट किया जाता है, निवेदन किया जाता है कि अपना आईटीआर जो है अर्जेंट बेसिस पे फिल कर दीजिए, जमा कर दीजिए। और आगे लिखा हुआ है TDS इज डिडक्टेड फॉर ऑल द वीएलईज हु वर्क विद सीएससी, यानी कि सीएससी के साथ काम करने वाले जितने भी सीएससी वीएलई हैं, जितने भी सीएससी संचालक हैं, उनका TDS कटता है जब भी वो सीएससी पोर्टल पे काम करते हैं, जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं। और आगे लिखा हुआ है एंड एज पर द गवर्नमेंट प्रोविजन, यानी कि गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से, गवर्नमेंट के प्रोविजन के हिसाब से, ऑल दोज हुज TDS इज डिडक्टेड, यानी कि जिनका भी TDS कटता है, जिनका भी TDS कटा हुआ है, नीड टू फाइल देयर ITR विदाउट फेल, यानी कि जिनका भी TDS कटा हुआ है उनको बिना असफल हुए अपना TDS जो है या ITR जो है भरना है, जमा करना है। और आगे लिखा हुआ है ऑल VLEs आर एडवाइज्ड, यानी कि सभी VLEs को सलाह दी जाती है टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न, अपना जो है इनकम टैक्स रिटर्न जो है फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से 20 जुलाई 2019 तक जमा कर सकते हैं टू अवॉइड लेट फाइलिंग पेनाल्टी ऑफ 1000 to 5000, यानी कि 1000 से 5000 तक की जो पेनाल्टी लगनी है, जो जुर्माना लगना है आपको, उससे बचने के लिए अपना जो भी ITR है उसको 2019-20 जुलाई तक जमा कर सकते हैं 19-20 फाइनेंशियल ईयर के लिए, ठीक है। और आगे लिखा हुआ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इन्फॉर्म यू, यानी कि सीएससी कह रहा है यहाँ पे कि आपको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है दैट बाई स्पेंडिंग अ नॉमिनल अमाउंट यू कैन क्लेम योर TDS रिफंड्स, यानी कि आप बहुत ही कम पैसा खर्च करके जो हर ट्रांजेक्शन पे आपकी डिजिटल सेवा पोर्टल से कुछ पैसा कटता है वो क्लेम कर सकते हैं, दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। और आगे लिखा हुआ है द लिस्ट ऑफ अदर बेनिफिट फाइलिंग ITR इज प्रोवाइडेड इन द बैनर, यानी कि जो और ITR फाइल करने के बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पे एक बैनर प्रोवाइड किया गया है, उसमें दिए गए हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा मोटा मोटा आपको बता दूँ कि ITR अगर आप फिल करते हैं तो आपको बैंक से लोन लेने में आसानी होती है, क्रेडिट कार्ड बनवाने में आसानी होती है, यानी कि फाइनेंशियल सेक्टर में कहीं भी आप जाओगे अगर आपके पास ITR है तो आपको वरीयता मिलती है एक ऐसे पर्सन से जिसके पास ITR नहीं है। और बाकी बेनिफिट्स क्या हैं वो आगे भी मैं आपको बता दूँ, पोस्टर में देख लीजिएगा। और आगे लिखा हुआ VLEs कैन ऑल्सो इंक्रीज देयर इनकम बाय फाइलिंग ITR ऑफ अदर taxpayer, यानी कि अगर आप एक VLE हैं तो आप दूसरे लोगों का इनकम टैक्स ITR भरवा के अपनी इनकम में इजाफा कर सकते हैं। और आगे सेम वही चीज़ लिखी हुई है फॉर एनी क्लैरिफिकेशन VLEs कॉल अस ऑन, यानी कि अगर आपको कुछ समस्या कुछ पूछना चाहते हैं कि कैसे भरेंगे, क्या भरेंगे, हमको भरना है नहीं भरना, तो यहाँ पे टैक्स जीनियस और टैक्स विन के नंबर दिए गए हैं, इन नंबर्स पे फोन करके आपकी जो भी समस्या है, जो भी चीज़ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। बाकी कोई क्वेश्चन बचता है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और आगे लिखा हुआ है द मैनुअल फॉर IT फाइलिंग, और साथ ही यहाँ पे डिजिटल सेवा के पोर्टल के माध्यम से आपको ITR कैसे फिल करना है उसके लिए एक लिंक दिया गया है, जिसमें आपको पूरा एक एक स्टेप करके बताया गया है कि इनकम टैक्स रिटर्न आपको किस तरह से भरना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। फिर भी कोई सवाल बचता है तो नंबर से फोन कर सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट से कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ अपने जितने भी दोस्त हैं, जितने भी VLE ग्रुप हैं उन सभी के व्हाट्सअप ग्रुप में पहुँचा दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक्स वॉचिंग दोस्तों, मिलता है मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, जय हिंद।